everyone, welcome to my channel. I'm Chandra and you're watching Nangwal Chanda. So in this video, we are going to discuss about salary after BCA. जैसे कि आपने thumbnail पे देख लिया है कि जो मेरी first salary थी BCA की वो कितनी थी. And even आपको shock लग रहा होगा इतना professional course करने के बाद भी सिर्फ 11 या 12,000 की salary अगर हमें मिल रही है तो BCA करना worth it है या नहीं. So what is the total story behind this 11,000 per month salary? So what is the exact reason behind this? और सिर्फ 11,000 ही क्यों मिलते हैं BCA करने के बाद या फिर इससे ज़्यादा सैलरी भी तो मिलती है. सो वॉट इज़ द रियलिटी. सो गाइज रियलिटी ये है, अगर आप मोस्टली BCA करने के बाद सपोर्ट रोल में ही जाते हो या फिर आप जाते हो कस्टमर केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव वाली रोल पे, और अगर आप इस डोमेन में जा रहे हो तो आपकी सैलरी 11,000, 12,000, 15,000 या 18,000, 20,000 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जब मेरा BCA हो चुका था ऑलमोस्ट उस टाइम पे मुझे भी जॉब ऑफर हुई थी और उस टाइम पे जॉब करने का इतना रश था, आई जस्ट ऑप्ट दिस ऑप्शन. और जहाँ पे मेरी मंथली सैलरी सिर्फ 11,000 थी, कुछ इंसेंटिव प्लस करके वहाँ पे 2,000 बढ़ जाता है या 1,500, बट आफ्टर BCA केवल एक सैलरी 11,000, 12,000, 13,000 की, इज दैट इनफ? नो. सो मैं आपको एक लेसन देना चाहती हूँ इस वीडियो से, एक रियलिटी बताना चाहती हूँ. अगर आपको इतनी मतलब अर्निंग मिल रही है पर मंथ और यू वॉन्ट कि नहीं मुझे थोड़ी अच्छी जॉब चाहिए, तो यू हैव टू प्रैक्टिस द लॉट, अच्छे से इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, बिकॉज विदाउट इंटरव्यूज आपको ऐसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. और ये वाला जो ऑप्शन है ना कस्टमर केयर का, कस्टमर सपोर्ट, कॉलिंग, वॉइस, नॉन वॉइस, ये सारे ऑप्शन आपको 12th पास करने के बाद भी मिल जाते हैं. सो आई डोंट थिंक सो कि आपको इस ऑप्शन पे जाना चाहिए. और मैंने क्यों चूज़ किया, रीज़न बिहाइंड इज कि उस टाइम पे मेरा जो डिग्री था ना वो कंप्लीशन का आया नहीं था, एक दो मंथ बचे थे, एग्जाम हो चुका था, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब थी, दैट्स वाई उस टाइम को कवर अप करने के लिए मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब ज्वाइन की थी. दैट्स वाई मैंने 3 महीने ये करा. थोड़ा सा इसमें मुझे अच्छा ये चीज़ें लगा कि कम्युनिकेशन ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें मुझे आने लगी और इसलिए मैंने जॉब को किया, बट 3 महीने बाद मैंने छोड़ दी. बट क्या हमें BCA के बाद अच्छी सैलरी मिल सकती है, 30,000, 40,000, 50,000? डेफिनेटली येस. एंड इसलिए मिल सकती है क्योंकि आपका जब स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और कंपनी आपको अच्छा ऑफर कर देती है. और यहीं पे एक चीज़ एड ऑन करके एक एडवांटेज बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो प्रोफेशनल, मेक श्योर आपकी टेक्निकल डोमेन में नॉलेज अच्छी हो. और आप चाहो तो अभी बूमिंग टेक्नोलॉजी जैसे डेटा साइंस है, AI, ML, इन फील्ड में जा करके अच्छी स्किल्स के साथ इंटरव्यू दे सकते हो. सो आगे बढ़ने से पहले गाइज, डेटा साइंस बूट कैंप का एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहती हूँ जो कि प्रोवाइड हो रहा है ओडिन स्कूल की तरफ से, जहाँ पे 6 मंथ की लाइव क्लासेस में आपको सारी की सारी यहाँ पे टूल एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है रिलेटेड टू डेटा साइंस. वेबसाइट में डायरेक्टली लेके चलती हूँ, इन्फॉर्मेशन बताती हूँ आपको इस बूट कैंप की. तो गाइस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया, ओडिन स्कूल आपको दे रहा है डेटा साइंस बूट कैंप 6 मंथ का लाइव क्लासेस के साथ विथ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ. आप कॉल मी बैक रिक्वेस्ट भी रेज कर सकते हो. एंड इनका जो कमिंग कोहोर्ट है वो 30 सितंबर है. फीस 99,000 प्लस GST. अर्ली बर्ड ऑफर है जहाँ पे आपको 10,000 तक का छूट मिल सकता है फॉर लिमिटेड 100 सीट्स के लिए, और स्कॉलरशिप भी आप गेन कर सकते हो अप टू 30,000. बहुत अच्छा डील है गाइज ये. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको मिलता है 500 प्लस हायरिंग पार्टनर्स, एंड वीकली आपको यहाँ पे जॉब मिलती है नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ. सारी इन्फॉर्मेशन के वेबसाइट पे है. 375 एज ऑफ नाउ यहाँ पे डेटा साइंस की जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं. प्लस यहाँ पे गाइस हाईएस्ट जो पैकेज है 26 LPA है. जो भी यहाँ पे ड्राइव्स आएंगी उसकी रिक्वायरमेंट सारी यहाँ पे कुछ मेंशन होगी. एंड मिनिमम यहाँ पे 7 लाख यहाँ पे क्रैक किया है स्टूडेंट्स ने. प्लस हाईएस्ट जॉब रोल है आपके पास डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस, ML इंजीनियर, पावर BI डेवलपर, ऐसे डोमेन में आप काम कर सकते हो. इसके अलावा ये आपकी कॉमन स्किल में भी वर्क करते हैं, जैसे रेज्यूम बिल्डिंग है, मॉक इंटरव्यूज, बिहेवियर स्किल है जो आपको एक अच्छे इंटरव्यू को क्रैक करने में हेल्प करता है. And they are providing updated course with SQL, Python, Statics, EDA, Machine Learning, Business Intelligence and Storytelling, GitHub. उसके साथ टूल टेक्नोलॉजीज भी पढ़ते हो. 2 ईयर के अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जैसे आप चेक कर सकते हो. इनके कैपस्टोन प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलता है, जो कि इनका एक एडवांटेज और प्लस पॉइंट है पूरे बूट कैम्प का. एंड इन इलेक्टिव्स गाइज दे हैव कवर्ड पावर BI, PySpark, एंड इसमें जो टॉपिक कवर है LLP, ETL, Azure, एडवांस एक्सेल, Azure डेटा फैक्ट्री एंड पावर BI एडवांस, ये सारे के सारे अपडेटेड कोर्स यहाँ पे आपको लर्निंग के लिए मिलेंगे. अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजीज के साथ टूल भी आप लर्न करने वाले हो, पावर BI, Azure, एडवांस एक्सेल, PySpark, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी. और यहाँ पे जो इनका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है आप चेक कर सकते हो, इसमें दिया है कौन सा प्रोजेक्ट है, उसका नेम, डिस्क्रिप्शन, उसमें क्या लैंग्वेजेस यूज है. और भी प्रोजेक्ट आप यहाँ पे इनके ब्रोशर में चेक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो ब्रोशर, और इनकी सक्सेस स्टोरीज भी चेक कर सकते हो. एंड एक गुड न्यूज़ और है गाइस, 59,000 प्लस GST पे करके आप पूरे बूट कैम्प का कोर्स बाय कर सकते हो, प्लस रिजर्व भी कर सकते हो सीट 5,000 प्लस GST. ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए नहीं है, तो मेक श्योर आप यहाँ पे इनरोल करके अपना पैसा और सेव कर रहे हो और इस बूट कैम्प का फायदा ले सकते हो.
यहाँ पे आपको गाइज लाइव अपडेटेड क्लास मिलती है विद अफोर्डेबल प्राइजेस के साथ, स्कॉलरशिप के ऑप्शन है, करिकुलम अपडेटेड है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, मॉक इंटरव्यूज की भी यहाँ पे प्रिपरेशन होती है और एक डेडिकेटेड सपोर्ट टीम आपको दी जाती है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज में हेल्प की जाती है, सैलरी नेगोशिएबल होता है, मीन्स की जहाँ पे आपको अच्छी से अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाए कंपनी के थ्रू। और इसके अलावा गाइज इनके आप ना रिव्यूज देख सकते हो कहाँ कहाँ के मेंबर्स है, तो सब कुछ ऑनलाइन यहाँ अवेलेबल है, आपको बस जाकर के लिंक पे क्लिक करना है और सारी की सारी डिटेल्स इनकी चेक करनी है। यहाँ पे आप ईएमआई में भी अपनी फी पे कर सकते हो, 3, 6, 9 and 12 मंथ की ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा एक ऐसा बूट कैंप है जहाँ पे 10 दिन में आपको पैसा रिफंड मिलता है इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट वंस यू हैव डन विद योर सर्टिफिकेशन गाइस, और बहुत यूजफुल बूट कैंप है, पॉजिटिव रिव्यूज है, यू कैन चेक ओवर देयर, गूगल में आप चेक कर सकते हो सारी रेटिंग्स रिव्यू और स्टूडेंट के प्लेसमेंट्स भी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन गो एंड चेक आउट विद द ओडिन स्कूल फॉर डेटा साइंस बूट कैंप। सो गाइज ऐसे ही अगर आप डेटा साइंस बूट कैंप, AI, ML जैसी चीजों को पढ़ते हो तो आपको इंटरव्यू के ऑप्शंस भी अच्छे मिलते हैं और सैलरी पैकेज भी डेफिनेटली अच्छा ही मिलता है, 11,000 बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट ज्वाइन ओडिन स्कूल और अपनी जर्नी आज ही से शुरू कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ यू कैन इनहेंस योर स्किल्स, यू कैन एक्सेल योर स्किल्स विद द राइट डोमेन, ताकि आप ऐसे सपोर्ट रोल से बच पाओ, आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी हो। एंड मेरी स्टोरी में गाइज एक ट्विस्ट आया, 3 महीने बाद मैंने छोड़ दिया और मैंने भी इसी तरह एक सर्टिफिकेशन किया। उस सर्टिफिकेशन के करने के टाइम पे ही मुझे एक अच्छी जॉब मिली एंड फाइनली आई हैव जॉइन एन MNC कंपनी। तो स्ट्रगल बहुत रहा BCA के फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक, देन फोर्थ ईयर में जब जॉब चाहिए थी। तो आपको भी मेक श्योर करना है कि आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, सही सर्टिफिकेशंस कर रहे हो और सही डोमेन में जा रहे हो, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि अगर आप 1-2 साल किसी भी नॉर्मल डोमेन में देते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है आने वाले 3-4 साल बाद नई टेक्नोलॉजी में मूव ऑन करना। बेटर है पहले से ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखो, अच्छे डोमेन को टारगेट करो और कोशिश करो ये सपोर्ट जो रोल है और जो आपका ये वॉइस कॉल नॉन वॉइस है, अगर आपको ज्वाइन भी करना है इसको 6 मंथ या 1 साल से ज़्यादा मत करो। इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल इन्हेंस हो जाएंगी, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, जो कि मेरे केस में हुआ। 3 मंथ इज मोर देन इनफ टू इन्हेंस माई स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल एंड द कॉन्फिडेंस। मेरे को बहुत अच्छे से मिल चुका था, 100% नहीं मिला था, बट एटलीस्ट एज अ फ्रेशर की तरफ से मुझे काफ़ी चीज़ें आने लग गई थी एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में। सो इन्हीं तरीकों से गाइज आप एक अच्छे डोमेन तक पहुंच सकते हो। मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द राइट पाथ इफ यू आर डूइंग BCA, MCA, BTech, MTech या फिर BSc, CS, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स में बहुत ज्यादा डिमांड है स्टूडेंट्स की जिनके पास अच्छे स्किल्स हो। सो मेक श्योर आप अपनी स्किल्स के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, लर्न कर रहे हो। एंड मैंने अपनी वीडियो एक डाली हुई है कि व्हाट वाज माय लाइक फुल टाइम सैलरी आफ्टर BCA, आप चेक कर सकते हो, यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली कितनी सैलरी मुझे ऑफर हुई थी आफ्टर 11,000। एंड इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर यू कि 11,000 से एकदम से डबल और ट्रिपल जंप करना इज लाइक सच अ ग्रेट थिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे पिंग कर सकते हो अगर आपको कोई भी रिलेवेंट इशू या ओपिनियन या फिर क्वेश्चन है। सो फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट बिलो एज वेल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।